सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। पीरियड्स को डिले करने की कौन सी मेडिसिन होती है, मतलब कि पीरियड्स को अगर आप देरी से लाना चाहते हो तो आप कौन सी मेडिसिन को यूज़ करोगे, मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन कौन से इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, साथ ही किन लोगों को इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना होता, कौन लोग इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, यही इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पीरियड्स को डिले करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अक्सर अगर फीमेल्स को कोई घर में फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल है, कोई पूजा होती है, या फिर कहीं पर जाना होता है, या कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है जिसके चलते आपको अपने पीरियड्स को डिले करने हो, तो आप कौन सी मेडिसिन का यूज़ करोगे। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं उस मेडिसिन का नाम। तो गाइस जो मेडिसिन का नाम है वो है नॉर्थ ईस्ट्रोन, और इसके इंडिया में कुछ पॉपुलर ब्रांड्स भी हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में प्राइमलूट एंड टैबलेट के बारे में बता रहा हूँ। प्राइमलूट एंड टैबलेट शेड्यूल एच की टैबलेट होती है, जो कि आपको 56 रुपीज़ की ईजिली मिल जाएगी। वैसे तो इस टैबलेट को लेने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये आपको विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन भी कुछ मेडिकल स्टोर पर ईजिली मिल जाएगी। ओके, इस टैबलेट के अंदर आपको नॉर्थ ईस्ट्रोन 5mg में मिलता है, जो कि एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है। इस टैबलेट का यूज़ वैसे तो काफ़ी सारी कंडीशन में किया जाता है, जैसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में, ब्रेस्ट कैंसर में, या फिर जिन लोगों को एमनोरिया की कंडीशन है, मतलब कि पीरियड साइकिल अब्सेंस है, ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। हैवी ब्लीडिंग के टाइम या फिर एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में भी इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना कि इतनी सारी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ कर रहे हैं तो पीरियड्स कैसे डिले हो सकते हैं, देरी से कैसे हो सकते हैं। देखिएगा, इस पहले तो ये कोई ड्रग नहीं है, ये एक हार्मोनल पिल है जो कि हार्मोन की तरह ही काम करती है। ओके, तो वैसे तो देखिए इस टॉपिक को मैं कवर अप नहीं करूँगा जो मैंने आपको बताए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने पीरियड्स को इस टैबलेट को यूज़ करके कैसे डिले कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको अपने पीरियड्स को इस टैबलेट को यूज़ करके, मतलब कि प्राइमलूट एंड टैबलेट को यूज़ करके अगर आपको आपके पीरियड्स को डिले करने हो, तो आप इस टैबलेट को दिन में 3 बार यूज़ करोगे खाना खाने के बाद पानी के साथ। देखा गया है कि जो लोग इस टैबलेट को बिना खाए पिए लेते हैं उनको नोज़िया वोमिटिंग होने की शिकायत रहती है, या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, जैसे गैस तेजाब का बनना। इसीलिए इस टैबलेट को खाना खाने के बाद ही यूज़ करना होता है। दिन में 3 बार आप यूज़ करोगे, सुबह, दोपहर और शाम को, ठीक है। इस टैबलेट को यूज़ करने पर आपके पीरियड्स डिले हो जाएंगे। ओके, अब बात आती है कि कब यूज़ करना है। सपोज करें कि आपके पीरियड्स पिछले मंथ की 20 तारीख को आए हैं और एक्सपेक्टेड डेट है आपके पीरियड्स आने की वो है 18 तारीख, तो आपको इस टैबलेट को 3 दिन पहले यूज़ करना है, मतलब कि 15 तारीख को आपको इस टैबलेट को लेना है। डोज वही रहेगी 5mg की, दिन में 3 बार, खाना खाने के बाद पानी के साथ में। ओके, जितने दिन के लिए आपने अपने पीरियड्स को डिले करना है आप उतने दिन डिले करें। डिले करने के बाद इस टैबलेट को यूज़ करना बंद कर दें और आपके जो पीरियड्स हैं वो 1 से 10 दिन के बीच में आ जाएंगे। ओके, तो आगे बात करते हैं इस टैबलेट के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस देखिए, वैसे तो इस टैबलेट के बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे नोज़िया वोमिटिंग होना, डिजीनेस होना, चक्कर आना, एब्डोमन क्रैम्प्स या फिर बैक पेन होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस देखी गई है, जो कि बहुत ही कम है अगर आप इस टैबलेट को रेगुलरली यूज़ नहीं कर रहे हो, 3-3, 4-4 महीने से रेगुलर इस टैबलेट को यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इस टैबलेट को 7-8 दिन तक यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इस टैबलेट का असर आपके बॉडी से फ्लश आउट होगा, वैसे ही अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुआ है इस टैबलेट को लेने पर, वो भी सबसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर लंबे समय तक इस टैबलेट को यूज़ करोगे तो आपको इस टैबलेट के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे फेस पर बाल आना, या फिर आपका जो हार्मोन का बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके चलते आपको इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिल सकते हैं, पीरियड्स के समय हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, या फिर आपको हो सकता है कि सामान्य से कम ब्लीडिंग हो।
हो सकता है कि आपका पीरियड ही ना आए, और साथ ही जो थायराइड ग्लैंड है उसके हार्मोन फ्लक्चुएट हो सकते हैं। कई फीमेल्स को फ्लूड रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है जिसके चलते उनके हाथ पैर और जीभ पर फेस पर स्वेलिंग आ जाती है। तो गाइज ये कुछ इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स थे। अब चलते हैं कि कौन से लोगों को इस टैबलेट को नहीं लेना होता। तो गाइज देखिए, पहले नंबर पर है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को PCOS, PCOD या फिर ओवेरियन सिस्ट या ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, या फिर अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ये टैबलेट नहीं लेनी है। साथ ही अगर आपको BP, शुगर, थायराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही है तब भी आपको ये टैबलेट नहीं लेनी है, ये टैबलेट कॉन्ट्रा इंडिकेट है आपके लिए। साथ ही अगर आप कोई एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन को ले रहे हो, या फिर कोई आपको ब्लड डिसऑर्डर है जैसे थ्रम्बोसाइटोपीनिया है, या फिर आप कोई एंटी फंगल मेडिसिन ले रहे हो जैसे ग्राइसियोफुलविन ले रहे हो, तब भी आपको इस टैबलेट को नहीं यूज़ करना है। साथ ही अगर आपको लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम है तब भी आपको ये टैबलेट नहीं लेनी है। अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो या फिर आप एक प्रेग्नेंट वूमेन हो तब भी आपने इस टैबलेट को नहीं लेना है। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।